देश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ साथ अब चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं। इन एग्जिट पोल में देश में दोबारा एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल्स पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि बहुत सी बार एग्जिट पोल विपरीत हुए हैं, जो एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है चुनावी नतीजे उससे बिल्कुल विपरीत होंगे। पिछले 20-22 साल से जब से एग्जिट पोल ये लोग दिखाते हैं, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया है, सारी चीज़ें हैं, बहुत बार हमने देखा है कि एग्जिट पोल पूरी तरीके से जो जिस तरीके से दिखाया जाता है उसके विपरीत होते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 2019 में भी बिल्कुल उसके विपरीत होंगे। जो दिखाया जा रहा है वो यूपीए के लिए होगा, कांग्रेस के लिए होगा, और बाकी तो अब 2 दिन बचे हैं, 23 तारीख को नतीजे आने हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि देश की 130 करोड़ जनता में से जो 90 करोड़ वोटर हमारे हैं, उन्होंने जिस परेशानी से वो 5 साल में गुजरे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, छोटा दुकानदार हो, नौजवान हो, हमारी माताएं बहनें हैं, वो उसके अनुरूप मतदान करें। सिरसा तो बहुत बढ़िया मार्जिन से हम सारे साथी जीतेंगे, और भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत करके केंद्र की सरकार भी राहुल जी के नेतृत्व में बनाएंगे, और फिर प्रदेश में 3 महीने बाद भी कांग्रेस की सरकार होगी, आम जनता की सरकार होगी। देखिए, मेनेलो और जेजेपी ने तो ये तो सच्चाई है, और भी जो दूसरी पार्टियां थी, सब लोगों को एक ही डर सताता है हमेशा, कांग्रेस ना आ जाए, तो इसलिए वोटों का ट्रांसफ़र तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस बड़ी बढ़त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी, और इस इलाके से लेकर के सब जगह के लिए अच्छा रहेगा।